बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 70 कंप्लीट कर ली थी। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, पेज नंबर 146 पर। पीछे हमने थ्री साइडेड फिगर पढ़ी थी, ट्रायंगल, जिसमें थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। उस ट्रायंगल्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, उनको कंस्ट्रक्ट करना भी सीखा। अब हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। ये फोर साइडेड फिगर होती है। जितनी भी फोर साइडेड फिगर होती हैं वो तमाम की तमाम क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल्स जो है उसको उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वाड्री और लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब होता है साइड। इट्स मीन फोर साइडेड फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्वाड्रेंगल्स भी कहते हैं। अब क्वाड्रेंगल्स में देखें, क्वाड्रा मीन्स होता है फोर, और एंगल्स जो होते हैं वो एंगल्स होते हैं, तो फोर एंगल्स भी होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। तो इट्स मीन कि आप क्वाड्रिलेटरल्स को क्वाड्रेंगल्स भी कह सकते हैं। अब आगे देखें, अगर तमाम के तमाम क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं अगर हम उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने ये आपको फोर साइडेड फिगर दिया है क्वाड्रिलेटरल, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक फिगर ये बन गई जो कि ट्राइंगल है, और सेकेंड ट्राइंगल ये बन गई। इट्स मीन कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल टू ट्राइंगल्स बनाता है, ठीक है, या टू ट्राइंगल्स को हम ज्वाइन करें तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब क्वाड्रिलेटरल में टू ट्राइंगल्स आ गई। इट्स मीन कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो है वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स हो जाएंगी। मतलब टू ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम जो है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होगा। तो ट्राइंगल्स के टू एंगल्स का अगर हम सम करें तो 180 प्लस 180 360 हो गया। यहाँ से मैं बात पता चल गई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने आपको फिगर्स दी हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, एरो। ये तमाम की तमाम फोर साइडेड फिगर्स हैं, इस वजह से इन्हें क्वाड्रिलेटरल्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे अब हम इन शेप्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपकी स्क्वेयर। स्क्वेयर में क्या होता है, इनकी तमाम की तमाम साइड्स जो होती हैं स्क्वेयर की वो आपस में इक्वल होती हैं, और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं इसमें ये साइड और ये साइड ये आपस में पैरेलल होती है, और ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल मींस कि जो दोनों साइड्स का आपस में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो आपस में किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। और इसका जो हर एक एंगल होता है, फोर्थ के फोर एंगल्स जो होते हैं स्क्वेयर में वो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो टू ऑपोजिट साइड्स होती हैं, एक साइड ये और ये साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है। इट्स मीन टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और इसमें हर एक एंगल, फोर के फोर एंगल्स जो रेक्टेंगल में होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, इसमें तमाम साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, और टू पेयर्स जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। मीन्स कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल होती है। लेकिन इसमें जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये और ये साइड आपस में इक्वल और पैरेलल है, ये और ये साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। और इसके एंगल्स में क्या होता है, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट है काइट। काइट में क्या होता है, इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, मीन कि ये साइड और ये साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है काइट में। और इसके एंगल्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि इसमें वन पेयर जो होता है साइड्स का, मतलब कि ऑपोजिट साइड्स की एक साइड इस साइड के पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती इनकी, फोर की फोर साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, और जो पैरेलल होती है वो सिर्फ एक ही पेयर आपस में पैरेलल होता है, ये पेयर आपस में पैरेलल नहीं होता। और इसके तमाम के तमाम एंगल्स जो फोर एंगल्स होते हैं इस ट्रेपीजियम में वो डिफरेंट होते हैं, वो आपस में अनइक्वल होते हैं। अब पेज नंबर 152 पर आए, एक्सरसाइज पर आए, 7E, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पैरेललोग्राम विद फोर इक्वल साइड्स इज अ डैश। पैरेललोग्राम कोई भी अगर हम लें तो उसकी अगर फोर साइड्स हम आपस में इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। किस तरह,
आपकी पैरेललोग्राम इस शेप में होती है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं आप इसमें पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। अगर आप इसकी लेंथ सेम कर दें तो वो इस शेप में बनती है। तो इस शेप को आप देखें तो ये आपकी रोमबस बनती है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ रोमबस लिखेंगे। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल साइड इज कॉल्ड डैश। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लें जिसमें एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो वो क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स एंड फोर इक्वल डैश। एक स्क्वायर में फोर इक्वल साइड्स होती हैं और फोर इक्वल क्या होते हैं, आप यहाँ पे अगर स्क्वायर ड्रॉ करें अपनी रफ कॉपीज में तो उसमें ये फोर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और फोर ये जो एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इस वजह से आप एंगल्स लिखेंगे। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैव डैश नंबर ऑफ साइड्स। तमाम क्वाड्रिलेटरल्स में साइड्स कितनी होती हैं, फोर होती हैं। इस वजह से आप इसमें फोर लिखेंगे। इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर डैश। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अब एडजेसेंट एंगल्स डिवाइस करें, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं अगर हम कोई भी दो एंगल्स ले लें तो उन दो एंगल्स में अगर कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन साइड है तो वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस कि उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। इस वजह से आप सप्लीमेंट्री लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल के तमाम एंगल्स का सम 360 होता है। तो आपने पीछे भी हमने पढ़ा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज 360। तो आप ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अ स्क्वायर हैज टू राइट एंगल्स। स्क्वायर में सिर्फ टू राइट एंगल्स होते हैं। हमने भी पढ़ा था कि इसमें देखें फोर राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स फोर होते हैं स्क्वायर में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द एंगल्स इन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर सेम। एंगल्स जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप देखें आपने पीछे पढ़ा है स्क्वायर में भी 90 डिग्री एंगल्स होते हैं फोर, रेक्टेंगल में भी फोर एंगल्स जो होते हैं, चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इट्स मीन कि दोनों एंगल्स दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये ट्रू हो गया। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ काइट आर पैरेलल। काइट्स की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये फॉल्स है, नॉन पैरेलल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल आर फोर साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल्स में फोर साइड्स होती हैं वो क्लोज फिगर होती है। तो ट्रू है ये, साइड्स भी फोर होती हैं वो बंद भी होती है क्वाड्रिलेटरल। आगे आ जाए सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। विच वन इज द करेक्ट नेम फॉर द गिवन फिगर। इस फिगर के लिए कौन सा करेक्ट नेम है। फर्स्ट देखें पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम ये नहीं है क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड ये तो पैरेलल है लेकिन ये नॉन पैरेलल है। रोम्बस, तो रोम्बस भी नहीं है, रोम्बस में फोर साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ट्रेपीजियम में देखें तो ट्रेपीजियम में ये चीज है कि इसमें दो साइड्स भी इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो दो पैरेलल नॉन पैरेलल हैं। इट्स मीन वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स इज नॉन पैरेलल। तो ये ट्रेपीजियम हुआ, जिस वजह से आप ट्रेपीजियम को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 153 पर आए। बी देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम की नहीं है। तो फर्स्ट देखें आप पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। तो ये ट्रू है कि पैरेललोग्राम भी फोर साइडेड फिगर होती है, क्वाड्रिलेटरल भी फोर साइडेड फिगर है। तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हुई। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट देखें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर्स जो होते हैं एडजेसेंट साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हुई। तो सी है जो ये प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम की नहीं है, इस वजह से आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल जो है फोर साइडेड होती है, आपने इन फोर शेप्स में से देखना है कौन सी शेप क्वाड्रिलेटरल है। तो आप इनकी शेप्स काउंट करेंगे साइड्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सिक्स साइडेड फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल ये नहीं होगी। 1, 2, 3 तो ये थ्री साइडेड फिगर हो गई तो ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये फाइव साइडेड फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1, 2, 3, 4 ये फोर साइडेड फिगर है तो ये क्वाड्रिलेटरल होगी। इस वजह से आप इसको टिक करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 270, 360, 180 या 90। तो हमने पढ़ा था 360, तो इस वजह से आप 360 को टिक करें। द नंबर ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज।
क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं या 2? तो 4 होते हैं, क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, इस वजह से एंगल्स भी 4 होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें. नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. आपने इन शेप्स के नाम देते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं इनके नाम बताएं कि ये कौन कौन सी फिगर्स हैं. अब फर्स्ट शेप देखें, इसमें ये टू अपोजिट साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम होगी, इस वजह से आप ट्रेपीजियम लिखें. नेक्स्ट है, ये अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम हुई. नेक्स्ट देखें, ये फोर साइड फिगर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं अपोजिट साइड्स, तो ये स्क्वायर हुआ. नेक्स्ट देखें, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं और ये अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल होगी. नेक्स्ट देखें, इसमें फोर साइड्स आपस में इक्वल हैं. एंगल्स देखें तो एंगल्स आपस में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और तो ये रोम्बस हो गई. ठीक है, काइट. अब इसमें आपको ये देख के पता चल रहा है ये काइट शेप है, इसमें एंगल्स इनके डिफरेंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये काइट हो गई. ठीक है, अब आपने इस इन शेप्स को पढ़ना है, इन शेप्स की आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है, अपने जहन में रखनी है और आपने ये अपनी एक्सरसाइज फिल करें, क्वेश्चन नंबर 4 तक अटेम्प्ट करें. ठीक है, और जो आपको नेटिव की वेबसाइट दी गई है आप उसको सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस को लाइक करें. आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है, रुकना नहीं. दिस इज नेटिव स्लोगन. थैंक यू, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.